युवाओं को वंशावली लेखन परंपरा से जोड़ने के करेंगे विशेष प्रयास। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी के नव नियुक्त अध्यक्ष राम सिंह राव नाथ द्वारा पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर पहुंच श्री नाथ जी की शयन आरती के लिए दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत में राम सिंह राव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा, सीएम ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वंशावलियों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत तो बहुत संवेदनशील हैं। वंशावली परंपरा से कई लोग जुड़े, ये काम सबसे ज्यादा राजस्थान में किया जाता है। वंशावली समाज के लिए हम काम करने का प्रयास करेंगे और युवाओं का इस परंपरा से मोह भंग ना हो, इसके लिए विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। नव भारत समाचार, राजस्थान के राजसमंद से हस्तिमल साहू की रिपोर्ट। अनूठी परंपरा है, ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, तो उसका संरक्षण करने के लिए और उसका संवर्धन करने के लिए हम लोग काम करेंगे। साथ में हम वंशावलियों को एक नवीनीकरण करने के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए भी हम कुछ कदम उठाएंगे। उसके अलावा वंश लेखक को वंशावली लिखने का वाचन करने के साथ साथ में जो हमारी लोक कथाएं हैं, उसके अलावा कथा है, पुराण है, वेद आदि की भी शिक्षा उनको दिलाएंगे, ताकि उनके पास में सर्वांगीण ज्ञान हो। जब वो अपने यजमान के घर जाए तो वंशावली लेखन के साथ साथ में अन्य कार्य भी करें। लेकिन उसके साथ साथ में मैं आज और जोड़ना चाहूंगा, आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब ने जो विकास कार्य किए हैं, उन विकास कार्यों को भी वंश लेखक, जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो भी जब जहां बैठेगा वहां सब जगह इन राजस्थान की इन विकासशील योजनाओं की, जो बजट के अंदर आपने देखी होगी और जो 3 वर्ष का हमारा एक गौरवपूर्ण जो कार्यकाल रहा है, जो हमारी योजनाएं रही है, उनकी चर्चा भी घर घर जाकर के वंशावली लेखक करेंगे, ऐसी हमारी योजनाएं हैं। नहीं, हम तो भरपूर मांग करते हैं, अब ये संवैधानिक कार्य है, संवैधानिक दृष्टि से होना चाहिए। मैं तो कहूँ राजस्थानी पूर्ण रूप से एक भाषा है, आप राजस्थानी, हिंदी तो मिक्स भाषा है, उसमें अवधी भी है, उसमें ब्रिज भाषा भी है, उसमें डोंगरी भी है, उसमें राजस्थानी भी है, लेकिन राजस्थानी अपने आप में एक भाषा है और पूर्ण भाषा है। आप मुझे बताइए, प्लास्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके पास कोई शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक को राजस्थानी में कचकड़ा कहते हैं। तो राजस्थानी कई जगह जो है ना, बहुत अच्छी भाषा है। हम राजस्थानी होने के नाते इसका समर्थन करते हैं, मांग करते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से राजस्थानी को भी भाषा मिले, उसका समर्थन करते हैं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, स्वयं एक लाइन से आया हूँ। ये जो सक्षम हैं आदरणीय डोटासरा साहब या गहलोत साहब, वो इसका जवाब दे सकते हैं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। हम चाहते हैं कि हमारी जो समावेशी प्रकृति है, हमारा जो अहिंसा की जो नीति है, हमारी शांति की जो नीति है, और शांति और अहिंसा को अपनाते हुए हम जिस तरह से विकास के काम करते हैं, हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो और हमारे जो विकास के कार्य आदरणीय जननायक अशोक गहलोत जी की सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने किए हैं, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर के हमारा कार्यकर्ता आम जन तक लेकर के जाए और लोगों को उस सत्य से अवगत करवाएं, लोगों के दिल में जिस प्रकार का डर